गाइस, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपके मन में एक सवाल आता होगा। वो सवाल ये है कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें कौन सा बैंक हम लिंक करें, ठीक है। यानी कि जो एडसेंस अकाउंट होता है उसके लिए जो सबसे बेस्ट बैंक होती है वो कौन सा होता है। तो गाइस देखिए, एक्चुअली में हम लोग यूट्यूब से जो पेमेंट लेते हैं, यानी यूट्यूब से जो हमारा एड रेवेन्यू बनता है, उसको हम एडसेंस अकाउंट के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे होगा उसका प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसमें आप कौन सा बैंक लिंक करते हो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिना प्रॉब्लम के आपके जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आ जाया करेगी और ज़्यादा डिले करके भी नहीं आएगी। वो सारे प्रोसेस में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बैंक बेस्ट रहेगी और कौन सी बैंक भाई नहीं यूज़ कर सकते हो आप, वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊँ। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो यार वीडियो को तो लाइक कर देना अगर पसंद आए, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आए जो बेल है वही बिल्कुल दबाना, बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और कोई सुझाव हो तो यार प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि हमारे लिए जो बेस्ट बैंक है एडसेंट अकाउंट के लिए वो कौन सा रहता है। तो गाइस देखिए, बेस्ट बैंक का कुछ कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, लेकिन एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि आपको एक स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, ठीक है। स्विफ्ट कोड चाहिए होता है तभी आप YouTube की जो पेमेंट है वो अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हो, ठीक है। ये स्विफ्ट कोड है वो बैंक प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब जिस बैंक के पास स्विफ्ट कोड होता है बैंक का जो आप है एडसेंस में ऐड करोगे, अदरवाइज आप ऐड करोगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका स्विफ्ट कोड आपको मिलेगा नहीं। अगर मतलब बैंक के पास स्विफ्ट कोड है ही नहीं तो वो आपको देगा ही नहीं, जब देगा ही नहीं तो आपका YouTube पर जो पेमेंट है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। स्विफ्ट कोड होता है यार, बहुत सारी ग्रामीण बैंकें होती हैं उनका नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। हालांकि जो मेनली जितनी भी सरकारी बैंक के हैं, यानी कि आपकी बात मैं करूं, BNB की बात करूं, SBI की बात करूं और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, या फिर HDFC प्राइवेट बैंक है जो HDFC है, एक्सिस है, ICICI बैंक है, या और भी जितनी बैंकें हैं जो प्राइवेट बैंकें हैं, इनके पास स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। ये आपको स्विफ्ट कोड दे देंगे, ठीक है। सरकारी के साथ भी आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, यानी कि SBI के साथ भी, PNB के साथ भी। हालांकि इसमें क्या होता है कि आपको मैं बताऊं, जो सरकारी बैंक होते हैं उसमें थोड़ा पेमेंट में डिले आता है, ठीक है, क्योंकि जो YouTube होता है वो जो एडसेंस होता है सॉरी एडसेंस होता है वो 21 तारीख को, हर मंथ की 21 तारीख को जो आपकी पेमेंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में भेजता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो आपकी अगर प्राइवेट बैंक है तो आपका जो पैसा है वो 1 से 2 दिन में आ जाएगा, यानी 21 तारीख को उन्होंने भेजा तो आपको 22 में आ जाए या 23 में आ जाए या हो सकता है 24 में आ जाए। लेकिन अगर यही सरकारी बैंक होंगी तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, या फिर अगर फेस्टिवल पड़ जाता है तो यार सरकारी बैंक में तो डिले देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कभी कभी मंथ के एंड में आता है, यानी कि 28-29 तक आता है, कभी कभी 1 तारीख के आसपास भी हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या है कि आप अगर सरकारी बैंक करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, आपको करना क्या है, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बैंक मैनेजर के पास जाइए, वहाँ से भी आपको स्विफ्ट कोड मिल सकता है, ठीक है, आपको वहाँ पे वो स्विफ्ट कोड दे देंगे। हालांकि कभी कभी होता क्या है कि जो बैंक मैनेजर्स होते हैं वो आपसे पूछते हैं भाई स्विफ्ट कोड किस लिए चाहिए या कहाँ का पेमेंट आ रहा है, क्योंकि भाई ये फॉरेन कंट्री से पैसा आना है, ठीक है, तो वो पूछते हैं। सरकारी बैंक में ये पूछताछ जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, हालांकि प्राइवेट बैंक में इतनी नहीं होती है। आपको प्राइवेट बैंक में जो सुविधाएँ वो थोड़ी अच्छी मिल जाती हैं, सुविधाएँ अच्छी यार रीज़न है क्योंकि उनके पास जो मतलब कस्टमर है वो कम है, ठीक है, और सरकारी बैंक के पास थोड़े ज़्यादा हैं तो इसलिए उनको भाई सुविधा थोड़ी सी डिले मिलती है, और कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं होता। तो ऐसे एक सवाल और सबसे बड़ा बनता है लोगों का बहुत सारा कि जो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक है क्या उसको हम अपने एडसेंस अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस एक बात मैं बोल दूँ, उसको आप ऐड नहीं कर सकते हो, आप पेटीएम को ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पेटीएम है वो स्विफ्ट कोड प्रोवाइड नहीं कराता है। तो जब स्विफ्ट कोड प्रोवाइड नहीं कराता है तो आप पेमेंट ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि जो पेमेंट है आप पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू आप अपनी पेमेंट नहीं मंगा सकते हो। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कोई सुझाव हो तो कमेंट कर देना, और कोई कुछ क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हो। और भाई मुझे तो गाइस मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम में, और इंस्टाग्राम में भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी पूछ सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।